चुनाव आते ही ये जो धर्म की राजनीति शुरू हो जाती तो लगता है ये सही है कि धर्म के नाम पर वोट जीतना चाहते हैं। ये आप ये कह रहे हो कि चुनाव आते के साथ ही, क्या 2047 से पहले भी क्या नाम ये चुनाव थे क्या अफगानिस्तान के अंदर? वो जो 600-1200 साल पहले हिंदू राजा था वहाँ का, क्या जब भी चुनाव थे? क्यों मिट गए? एक नेता बताइए जिसने बोला इस्लाम को जड़ से मिटा देंगे। इसने तो खुल्ला ये लोग बोल रहे हैं कि सनातन को जड़ से मिटा देंगे। डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, वायरस है। आप खुद सोचिए जिसका विचारधारा ये है। जब बंटवारा हुआ तो क्या नाम पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ की आबादी थी, हिंदुओं से ईसाई जो भी सब मिला करके। आज कितने? 50 लाख से भी कम। कहाँ गए वो? मार दिए गए। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाती है। जो हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म पर ही चले, बिल्कुल चला है, चलता रहेगा, चलता है। और एक बात इतिहास का बता दूं, पूरे दुनिया में यही एक नस्ल है जिसने दुनिया के हर नस्लों को हराया है। और सनातनी क्या है 22 जनवरी को बताएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में, जब 100 करोड़ हिंदू जब रैली निकालेंगे पूरे हिंदुस्तान से, तो तुम्हारा गर्भपात ना हो गया तो मैं भी सनातनी नहीं। और उत्तरी भारत के अंदर दमन कराना चाहता है ये स्टालिन, झगड़ा कराना चाहता है। जैसे जिन्ना और जवाहरलाल ने हिंदू मुसलमानों में 47 में झगड़ा कराया था, दंगा कराया था, लाखों हिंदू मरे थे, मुस्लिम मरे थे। या नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है और एक तरफ जहां गठबंधन तैयार है पूरी अपनी टीम के साथ, तो भाई एक तरफ बीजेपी है। देखना ये होगा कि इस चुनाव के जंग में आखिर जीता कौन है। जाने के लिए हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच। चलिए जानते हैं कि जनता की क्या राय है, वो किसको देखना चाहती है प्रधानमंत्री के रूप में। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज शर्मा है। 24 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, किसको देखना चाहेंगे पीएम के रूप में? मेरे चाहत से मतलब नहीं है, मतलब है कि इस देश की जनता किसको चाहती है। आपने देखा होगा कि राजनीति का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बदला है पिछले 9-10 सालों में। चीज़ें गवर्नेंस की हो, चीज़ें डेवलपमेंट्स की हो, वो चीज़ें अब सतह पर आई है। पहले आपने पिछली अगर सरकारों में देखा हो तो धर्म की, जाति की, क्षेत्र की राजनीति हावी थी। हालांकि क्षेत्र की राजनीति, भाषा की राजनीति अभी भी जारी है, लेकिन उन तमाम बैरियर्स के बाद भी आज राजनीति का ट्रेंड बदला है। आप देखेंगे कि अभी 2-3 दिन महिला रिजर्वेशन बिल आया, उस पर जो है समय सदन में चर्चा हो रही है, और जो संख्या बल के हिसाब से देखें तो वो बिल पास हो जाएगा। हालांकि OBC और माइनॉरिटीज़ ST SC रिजर्वेशन की बात उस पर चल रही है। तो महत्वपूर्ण ये है कि इस देश की जनता चाहती, एक व्यक्ति के चाहने से सरकारें नहीं बदलती, लेकिन ये है कि इस देश की जनता का सेंटिमेंट किसके साथ है। तो मैं, मुझे लगता है कि विकास के मामले पर 2024 के इलेक्शन में लगता है कि कौन सी, कांग्रेस भी आगे चली गई है, बीजेपी भी काम करी, तो लग रहा है किस सरकार ने विकास किया? नहीं, क्योंकि सरकार 10 सालों से तो NDA की सरकार है, मोदी की सरकार है, तो मोदी के कई काम ऐसे हैं जो उसको थोड़ा अलग रखते हैं, उसके लिए अलग सेपरेट स्पेस बनाते हैं मतदाता के मन में। धारा 370 की बात है, ये हर इंडियंस के दिमाग में है कि ये कोई नहीं रिमूव कर सकता था अगर मोदी ना होते, ये फैक्ट है। मैं आप बायस एंट्री होकर बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बैलेंस बात कर रहा हूँ। अगर बात करें महिला रिजर्वेशन की बिल की, बहुत दिन से 27 साल से बिल लटका हुआ था, कारण कुछ भी हो, तमाम चीज़ें हो, लेकिन भाई जैसा निशिकांत दुबे ने आज कहा कि बॉल में जो किक मारता है जिसका गोल उसका माना जाता है, तो बॉल में किक मारा है मोदी ने, वो उसको कर लेगा। दूसरी बात है, अगर दूसरी 10% जो रिजर्वेशन पुअर को दिया वो भी एक बड़ा सेंटिमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखें G20 का, अगर इंटरनेशनल मतलब डिप्लोमेसी की बात करें तो वो भी एक बड़ा, कांग्रेस तो कह रही है अगर उनकी पार्टी होती तो भी G20 हो जाता। हाँ, हो जा, होता रहा, क्यों नहीं होता, इंडिया में नहीं हुआ, हुआ, लेकिन जो क्रेज है, देखो दिल्ली का जो डिक्लेरेशन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। घोषणा पत्र पिछली बार भी नहीं जारी हो पाया था क्योंकि 2 अलग अलग खेमे थे, रशियन खेम और अमेरिकन खेम। यूक्रेन युद्ध का फसाया पिछली बार भी था, इस बार भी है, कोई नहीं कह रहा था, यहाँ के सीनियर लोग नहीं कह रहे थे, डिप्लोमेटिक सर्कल के लोग नहीं कह रहे थे कि ये, क्योंकि मैंड पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में कोमा फुल स्टॉप का भी बहुत मतलब होता है। तो वहाँ पर अगर आपने तमाम लोगों को, चाइना नहीं आया, रशिया नहीं आया, जाहिर सी बात है कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर बहुत रिजिड थे, स्टिक थे, लेकिन उसके बाद भी जो इन लोगों ने दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया, तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेसी के लेवल पर जो मोदी की जो पॉलिसी है वो एक्सेप्टेड है, वो तमाम लोगों को साथ लेकर चल रही है। और दूसरी बात है, अगर ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड जिस तरह से आप स्टेट की लीडरशिप की बात करें, वहाँ पर बीजेपी की सबसे ज़्यादा गवर्नेंस है। UP में जो सबसे बड़ा सूबा है जहाँ से 80 सीट आती है,
एक साल पहले ही वहाँ से बीजेपी ने जीता। तो सेंटिमेंट की बात करें तो बीजेपी का जो ओरा है, पीएम का जो ओरा है, या उनके लोकल लीडरशिप ओरा है, वो बड़ा। कांग्रेस की अगर बात करें, मैं बिना उसके बात करूँ, कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभी भी धर्म और जाति के चीज़ों पर उठ गए। उदयनिधि ने तो आरोप बीजेपी पे लगता रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आ रही है। हाँ, करता रहा, लेकिन उन्होंने की नहीं। आरोप लगना अलग बात है, चीजें दिखाई देना। भाई आप अगर देखें उदयनिधि के बयान को, आप देखें, एक नेता बताइए जिसने बोला इस्लाम को जड़ से मिटा देंगे। इसने तो खुला ये लोग बोल रहे हैं कि सनातन को जड़ से मिटा देंगे। डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, वायरस है। आप खुद सोचिए, जिसका विचारधारा ये है, नाम है स्टालिन। स्टालिन कौन था? एक नास्तिक। उसने चर्च और मस्जिद 40,000 रसिया में तुड़वा कर दारू का मैखाना खुलवाया था और नंगा लड़कियों को नचवाया था। ये था स्टालिन। इनका आदर्श है स्टालिन, और ये लोग वही देश बनाना चाहते हैं। ये सनातन पे हमला करते हैं। सनातन का मतलब पता है उनको? सनातन का मतलब है नित्य। जैसे समय नित्य है, समय को कोई नहीं मार सकता। जैसे भगवान नित्य है, भगवान को कोई नहीं मार सकता। सनातन वो तत्व है जिसको कोई छू भी नहीं सकता। मारने का तो बहुत दूर की बात है। और एक बात इतिहास का बता दूं, पूरे दुनिया में यही एक नस्ल है जिसने दुनिया के हर नस्लों को हराया है। चाहे वो हून हो, चाहे वो शक हो, चाहे वो यवन हो, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो डच हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, ब्रिटिश हो, सबको इसी मिट्टी में दफन करके रख दिया है। ये वो सनातनी है। और सनातनी क्या है, 22 जनवरी को बताएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में, जब 100 करोड़ हिंदू जब रैली निकालेंगे पूरे हिंदुस्तान से, तो तुम्हारा गर्भपात ना हो गया तो मैं भी सनातनी नहीं। लगता है कि जिस तरीके से कह रहे हैं एक सनातन धर्म सब पर भारी होता है, तो लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म पर ही चलेगा? बिल्कुल चला है, चलता रहेगा, चलता है। इसका ना आदि है ना अंत है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, शाश्वत का अर्थ है निरंतर, और निरंतर का अर्थ है लगातार, जो कभी रुके नहीं, कभी खत्म ना हो, उसको कोई मिटा ना सके। अमिट है, ये धरती माता है, ये भी मिट सकती है, पानी में डूब सकती है। सनातन ना डूब सकता है, ना मिट सकता है, ना खत्म हो सकता है। ये जो स्टालिन, इसका लड़का और इसके साथ पिछलग्गू हैं, इन्होंने कह तो दिया सनातन के बारे में कि कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है। इनको शाश्वत का अर्थ का ही नहीं पता, शाश्वत का मीनिंग ही नहीं पता। इनको सनातन धर्म के बारे में जीरो भी नॉलेज नहीं है। कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो लोगों को वर्गों में बांटता है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है। नहीं, सनातन धर्म जोड़ता है। सनातन जो परंपरा है वो प्रेम की भाषा है। सनातन शाश्वत है, जोड़ता है। तोड़ते तो ये हैं लोग। ये सनातन को क्यों गाली दी है इसने? ये चाहते हैं डिस्प्यूट हो जाए बिटवीन द्रविड़ और आर्यन। हम उत्तरी भारत में आर्यन माने गए हैं, आर्यन आए थे, उसी से चल रहे हैं। और ये दक्षिण भारत में द्रविड़ है। ये दक्षिण और उत्तरी भारत के अंदर दमन कराना चाहता है ये स्टालिन, झगड़ा कराना चाहता है। जैसे जिन्ना और जवाहरलाल ने हिंदू मुसलमानों में 47 में झगड़ा कराया था, दंगा कराया था, लाखों हिंदू मरे थे, मुस्लिम मरे थे। यहाँ से बाकी कि जिस तरीके से चुनाव पास आ रहे हैं और सनातन धर्म जैसे कि हिंदू की राजनीति शुरू होने लगी, ये दो को बिड़ा करके तीसरे का फायदा होता है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज भी करते थे, ये काले अंग्रेज है, ये बिढ़ाना चाहते हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं, दो वर्गों के बीच झगड़ा कराना। कि दो धर्मों को भिड़ा कर स्टालिन ने जो कहा है हिंदू धर्म के बारे में, ठीक है, उसने ये तो कह दिया कि हिंदू धर्म खराब है, डेंगू है, मलेरिया है। क्या उसको ये मालूम है कि इस्लाम मजहब उनकी जो मुसलमानों की जो किताब है कुरान, उनको क्या कहती है, और जिनकी वो पूजा करते हैं यीशु मसीह, उनको क्या कहती है, ये मालूम है उनको? अगर वो जान लेंगे ना तो ये उनकी ये वो समझ जाएंगे क्या नाम है, ये क्या नाम मैंने गलत कहा, और क्या नाम है ये तो सबसे ज़्यादा खराब ही जो चीज़ है वो वहाँ है।
ठीक है, अगर वो नहीं जानेंगे, वो के अलावा जितने भी जो दुनिया के अंदर जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, अगर कुछ चीज़ें अगर इस्लाम की नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो ये सोच लो क्या नाम है, उनकी उन सब की दास्तान भी नहीं मिलेगी दास्तानों में आने वाले वक्त में। और एग्जाम्पल उदाहरण बताऊँ, आप मक्का से हम लोग जो थे हिंदू थे, सनातन था ना वहाँ भी, मक्का तक मिट गए, ख़त्म हुए, पहले थे ना अफगानिस्तान के अंदर भी हिंदू थे, हुए। जिस तरीके से चुनाव आते हैं, ये जो धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है, तो लगता है ये सही है कि धर्म के नाम पर वोट जीतना चाहिए। ये आप ये कह रहे हो कि चुनाव आते के साथ ही, क्या 2047 से पहले भी क्या नाम है ये चुनाव थे क्या अफगानिस्तान के अंदर? हो जो 600-1200 साल पहले हिंदू राजा था वहाँ का, क्या जब भी चुनाव थे? क्यों मिट गए, क्यों मिट गए, क्यों ख़त्म हो गए? पाकिस्तान जब बंटवारा होता, चल मैं बहुत ही छोटी सी उदाहरण छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब बंटवारा हुआ था, जब बंटवारा हुआ तो क्या नाम, पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ की आबादी थी, हिंदू सिख ईसाई जो भी सब मिला करके, आज कितने 50 लाख से भी कम, कहाँ गए वो? मार दिए गए, भाग गए, या फिर कन्वर्ट हो गए इस्लाम के अंदर? सीधी सी बात है, यही दो तीन चीज़ें हुई ना। लेकिन आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, जैसे कि इन्होंने कहा कि धर्म को लेके दो लोगों को लड़वाते, तो लगता है राजनीति धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाता? धर्म नहीं लड़वाता, और ना वो जो जो नेता लोग कहते हैं ना कि ना ये धर्म नेता, ये नेता लोग लड़वाते हैं। एक बारी थोड़ी सी कुरान की जानकारी ले ले, वो कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाती है, तो काफिर मोमिन कौन करता है? काफिर मोमिन कौन करता है? किसी को जानकारी है काफिर की? किसी को मालूम है मोमिन किसे कहते हैं? किसी को मालूम है भटकावा कौन है? किसी को मालूम है? आपको आप, चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप क्या नाम है, आप एक्टिंग करो, शिर्क किसे कहते हैं, भटकावा किसे कहते हैं? मैं नहीं पता, मैं तो हिंदू धर्म को मानती हूं। वो चीज़ है आज, जैसे आपको नहीं मालूम है, पूरे जो दुनिया के अंदर जो मुस्लिम नहीं है ना, उनको मालूम ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है, और जब भी वो आपको मालूम है तो आप बता। नहीं, वो जानना होगा, जानना क्या आपको मालूम होगा, तभी तो आप बता रहे हैं, बिना बताए आप लोगों को बहका रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसी बात करो, शिर्क वो है क्या नाम है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और की जगह, शिर्क वो है जैसे किसी की उसकी माफ़ी नहीं है शिरकी। मेरा सवाल तो समझ ही नहीं रहे ना, मेरा सवाल तो ये है, जैसे कि इन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर जो है लोगों को भिड़ाया जाता है राजनीति में, लगता है सही ये है? गलत है, ये वो गलत है ये चीज़ें, और ऐसा अभी से नहीं हो रहा, ये है ही नहीं चीज़, कौन लड़ा रहा है? नहीं लड़ा रहा, कोई नहीं लड़ा रहा, कांग्रेस ये बाकी जो जो नेता लोग हैं, ठीक है, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने वो अपने फ़ायदे के लिए क्या नाम है मुसलमानों को धमका कर, यानी डरा कर ये क्या नाम है बीजेपी की तरफ ना खिसके मुस्लिम लोग, यह है कारण, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है।